वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे मैं आपको बताती चलती हूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO MORNING हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे यकीनन हमारा नंबर भी चल रहा होगा 02135890271। और आफ्टर ब्रेकिंग जिस तरह हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं तो वो जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना मुनव्वर साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, एक्सपर्ट हैं, वो हजामा एक्सपर्ट हैं। अब हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जैसे कि आप हजामा एक्सपर्ट हैं तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं और हमारे नाज़रीन को भी ये बताती चलें कि हजामा बेसिकली होती क्या चीज है। हजामा सुन्नत तरीका इलाज है, उर्दू ये अरबी का लफ्ज है और उर्दू में इसको पछने लगाना, इंग्लिश में इसको कपिंग थेरेपी कहते हैं। इसको तोहफा मेराज भी कहते हैं क्योंकि रसूल पाक जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो फरिश्तों ने उनसे कहा था कि अपनी उम्मत को ये हिजामा से इलाज का तरीका बताएं। रसूल पाक चांद की 17, 19 और 21 को खुद भी हिजामा कराते थे और उन्होंने अपनी उम्मत को भी इसकी तलकीन की। इसलिए जाहिर है ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इससे जिस्म से फासद खून निकल जाता है, डेड सेल्स, टॉक्सिन्स और दर्दें निकल जाती हैं जिससे पेशेंट बहुत आराम महसूस करता है। तो इसी वजह से ये इतना पॉपुलर हो रहा है। ये है तो कदीम तरीका इलाज, लेकिन ये अभी इसके बारे में हमारे यहाँ अवेयरनेस हो गई है लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फायदा है जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हो रहा है। हजामा जिस तरह की ये करते हैं, ब्लड निकालते हैं इसको, इससे तो मतलब किसी के भी बॉडी से ब्लड निकालते हैं तो वो किस उम्र में निकाल सकते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको तो यकीनन तकलीफ होगी, तो ये किसी उम्र से सर्टेन किसी एज से निकालना ये है या फिर किसी भी एज में आप कर सकते हैं? ये हिजामा हर उम्र के लोगों पर, 6 महीने के बच्चे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ी उनको बच्चे जरा डरते तो हैं लेकिन ये कि उनके फायदे के लिए ये जो भी अगर किसी को साइनस का मसला है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जाहिर है किसी के टॉन्सिल्स हैं, किसी को कुछ वैसे कुछ टांगों का मसला है तो उसमें कराना हिजामा कराते हैं लोग। लेकिन यह कि हिजामा 6 माह के बच्चे को भी कर सकते हैं, 60 साल की उम्र के भी कर सकते हैं लोगों को। लेकिन बहुत जो बूढ़े होते हैं या बहुत कमज़ोर लोग होते हैं उनको हिजामा करने में ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। तो इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतों को प्रेगनेंसी के 1st 3 मंथ्स में नहीं करना चाहिए और पीरियड्स के दिनों में नहीं करना। ठीक है जी। तो जिस तरह आपने बताया कि जो बूढ़े होते हैं या बहुत ही वीक लोग होते हैं, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इनको एहतियात से करना चाहिए, तो क्या कैसी एहतियात बरतनी चाहिए इसके लिए? उनको फिर ज़्यादा नहीं, उनके जो सुन्नत पॉइंट्स होते हैं ये हमारे शोल्डर्स के दरम्यान में जो हैं वो 2 सुन्नत पॉइंट्स कहलाते हैं। इनमें ही 72 बीमारियों की शिफा है। अच्छा। तो फिर उनको ज़रा सा ये के देख के मालिज अपने तजर्बे के मुताबिक वो करता है और हिजामा कराने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ी मालूमात करके किसी मुस्तनद मालिज से कराएं। उनको ये पता हो कि ये जिसे हम हिजामा करा रहे हैं इसने किसी डॉक्टर के साथ से सीखा हुआ है, प्रॉपर ये काम कर सकता है। जस्ट देख देख कर मतलब हिजामा वो तो नहीं बन गए ये। अच्छा ठीक है, ये कितनी बार करवा सकता है कोई एक इंसान? अगर अगर किसी बच्चे ने 6 माह की उम्र में पेरेंट्स ने करवा दिए फिर उसने वो दोबारा करवा सकते हैं क्या लाइफ में? बिल्कुल, लाइफ में क्या वो हिजामा तो हम जो सेहतमंद लोग होते हैं वो भी 3 महीने के बाद करवाते कि जिस्म से उनके टॉक्सिन्स निकल जाएं, फासद खून निकल जाए और उसकी जगह फ्रेश ब्लड बनता है। उससे उनके लिवर पर, उनकी किडनीज पर अच्छा जो असर पड़ता है, वो इजाफी बोझ जो होता है उनके लिवर किडनीज का वो कम हो जाता है और उसकी जगह जिस्म में आपके फ्रेश ब्लड बन जाता है। तो
इसलिए और जो बीमार होते हैं उनको तो 15 दिन में, महीने में हम 5 से 7 सीटिंग्स कहते हैं कराएं, या उसे अगर फिर भी नहीं आराम आए तो और भी करा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीमार रहते हैं तो उनको करवाना चाहिए, तो किस टाइप की बीमारी, मतलब ऐसी नॉर्मली बुखार या किसी चीज की कोई एक स्पेसिफिक किसी बीमारी की वजह से? इसमें मर्जुल मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, जैसे डायबिटीज वाले, यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, किसी को लिवर प्रॉब्लम्स हैं, या माइग्रेन वाले, और इवन के टेंशन, डिप्रेशन, जो भी हर बीमारी का इसमें इलाज। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि डायबिटीज वाले भी करवा सकते हैं, तो ऐसा होता है कि हमें तो ये पता है कि जिनको शुगर हो या इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो उनकी कहीं भी कोई कट ना लगना चाहिए। लेकिन इसमें इतना हल्के हाथ से अपर लेयर में करते हैं, और शुगर पेशेंट्स को पैंक्रियास के पॉइंट पर भी करते हैं, तो इससे उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारे पास आते हैं शुगर पेशेंट्स आराम से करा। बट जब इस तरह की खवातीन आती होंगी स्पेशली, वो तो डरती होंगी, जो भी बड़ा आता है, बूढ़ा आता है, कोई भी आए, उसको फर्स्ट टाइम तो डर लग रहा होता है, क्योंकि ब्लेड के नाम से सब डर रहे होते हैं। लेकिन हम एक पॉइंट कहते हैं करा लें, आप सुन्नत पॉइंट करा लें, अगर आपको समझ में आए तो आगे कर देंगे। वो एक पॉइंट होता है उसका, उनका डर निकल जाता है, फिर वो कहते हैं कि अब आप जहाँ भी करना चाहें कर लें। ठीक है, तो जो इस टाइप की बीमारी होती है जिनमें अगर लीवर का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो इसको मतलब आप उसी उसके ऊपर करते हैं या फिर किसी भी जगह से ब्लड निकाल देना होता है? वैसे तो जहाँ प्रॉब्लम होती है उस एरिया पर करना होता है हमें। ठीक है, जैसे सर्वाइकल वाले हैं तो पेशेंट हैं, तो उनके ऊपर जो इनको बैक पेन है तो उनकी बैक पे करते हैं, और जैसे किसी को एक्नी है उसके फेस पे करते हैं, किसी को आंखों का मसला है, आप इसे अंदाजा लगा लें कितना हल्का सा होता है कि फेस पर 1-2 दिन में निशान चले जाते हैं। अब एक्नी से भरे हुए फेस वाली बच्चियां आती हैं जिनको हम फेस पर करते हैं, और इतनी साफ स्मूथ स्किन हो जाती है। अच्छा, तो वो कितनी सिटिंग लेती हैं? अगर बहुत ज्यादा एक्नी है उनके, बड़े बड़े हैं या फिर बहुत पुराने हो जाते हैं? 5 से 7 सिटिंग्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ठीक है, ये कितना गैप होता है एक सिटिंग के बाद, अगर जिस तरह कोई एक पेशेंट 10 दिन में 15 दिन में ऐसे दो करवा सकते हैं? ठीक है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम होती है फिर बाद में, या फिर दर्द होता है या किसी चीज के लिए कोई आप मेडिसिन या ट्यूब कुछ लिख कर देते हैं? नहीं, लगा लें? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, उसी वक्त हम स्प्रे वगैरह, हमारे पास वो शहद वगैरह होता है या जैतून का तेल लगा दें या शहद लगा दें, तो उसके बाद हम बल्कि पेशेंट्स को कह देते हैं कि अगर जरूरत पड़े घर जाकर पॉलीफेक्स या कुछ लगा लीजिएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। होता कुछ भी नहीं है? ठीक है, तो अगर जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है तो फिर सर के ऊपर किस तरह से कट लगाते हैं आप, क्योंकि बालों की इतनी मिकदार होती है? बिल्कुल, पहले तो हमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से कर रही हूँ, तो ये कि पहले तो हमें इसके बारे में मालूम था उतने, जहाँ पर कप लगाना होता था वहाँ से बाल हम शेव करते थे, तो वो जरा लोग घबराते थे, बच्चियों को होता था कवर तो हो जाता है बाल लड़कियों के, तो लेकिन ये कि वो फिर भी लोग घबराते, अभी हम शहद लगाकर तो उसे वो, क्योंकि वैसे बालों के ऊपर कप नहीं ठहरता, वो शहद से जरा सा स्मूथ हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बाल, तो वो लगाकर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे आराम से हो जाता है। अच्छा, तो माइग्रेन वाले जो आते हैं तो वो मतलब डॉक्टर के पास से होकर आते होंगे आपके पास? जी बिल्कुल, लेकिन जो जनरल फिजिशियन के पास जाते होंगे उन्होंने ये बताया होता है कि टेस्ट करवा लें, जिस तरह उनका प्रोसेस सारा चल रहा होता है, तो जब आते हैं वो डरते नहीं है कि मेरे सर पे इस तरह से कट लगी है या फिर कहाँ से ब्लड निकालना है? नहीं, वो ये है कि हम उनको जरा गाइड कर देते कि आपको अगर दर्द हुई तो हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, आप डरे नहीं, तो वो ये है कि जब करवाने लगते हैं वो कहते हैं हमें पता भी नहीं चला, तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत डीप कट नहीं लगाने होते। ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस किसी पेशेंट ने कहा कि बस छोड़ दे नहीं करवाना मुझे? नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील हो रहा होता है करवाते, बहुत सारे लोग अभी उठकर खड़े होते हैं तो कहते हैं हमें लग रहा है हमें जिस्म अपना हल्का फील हो रहा है, हम आराम महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर किसी के ये प्रॉब्लम होती है
मतलब अगर सर्वाइकल पेन है, अगर आपने यहाँ से ब्लड निकाला है, जामा आपने उस तरह से कर लिया सारा सुन्नत रसूल के मुताबिक, तो उसके बाद फिर वो कितनी क्वांटिटी में ब्लड निकलता है? ब्लड बहुत कम निकलता है अक्सर लोगों का। अच्छा जी। वो अक्सर लोगों का इतना ज़्यादा नहीं निकलता, थोड़ा कह लें 1 टेबल स्पून, किसी के 2-3 टेबल स्पून भी निकल आता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, बहुत किसी का अमूमन लोगों के 1 टेबल स्पून इतना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब गूगल पर सर्च करते हैं हम देखते हैं तो उसमें बड़ी हॉरेबल, उसको देख के लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि वो इतने भरे हुए कप, वो भी होता है लेकिन बहुत कम, किसी वेरी रेयर होता है वो। तो ऐसा किन लोगों के साथ होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाए? क्योंकि ऐसा जैसा होता नहीं, आप कुछ लोग डीप कट्स लगाते हैं, ठीक है, तो उनका उन पेशेंट्स का होता है, और कुछ हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। अब किसी का हम लगाते हैं तो वो डॉट डॉट सिर्फ निकलता है, लेकिन हदीस में है कि जो शिफा है वो चीरा कट में है। मतलब इससे इतना डिपेंड नहीं करता कि आप ब्लड कितना निकला है, कम निकला है या ज़्यादा निकला है। अच्छा जी। तो जिन लोगों के बहुत ज्यादा निकलता होगा वो तो डर जाते होंगे कि ये क्या हो गया, इतना ज्यादा ब्लड निकल जाता है। एक्चुअली हम वो उस पे बेड पे लिटाकर करते हैं ना, तो बैक पर हो रहा तो उनको जो पेशेंट है उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता, उनसे ये कि पूछ लेते हैं कि आपको कुछ, वो कहते हैं हमें हल्का सा ऐसे, वो कहते हैं हमें फील हो रहा है जैसे हल्की सी गुदगुदी सी हो रही है, ब्लेड का भी वो उनको कट कर तकलीफ नहीं होती। ठीक है। क्योंकि पहले ये हम अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी लगा के कि ये कप लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर उसको हटा के फिर हल्का सा ब्लेड से टच करते हैं और उसके बाद दोबारा कप लगाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है, लेकिन ये कि अब बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, टॉक्सिन्स अपर लेयर में होते हैं तो वो टॉक्सिन्स डेड सेल्स जो हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, तो आप जो है अपने आप को हेल्दी फील करते हो। सही, वो अच्छा फील होता है कि अच्छा बस ठीक है, नाउ आई एम फिट। जी हाँ। अच्छा, ये सुन्नत रसूल के मुताबिक ही की जाती है, तो सुना है ऐसा क्या ऐसा होता भी कि ये जादू ख़त्म कराने के लिए भी हिजामा किया करते हैं? जी बिल्कुल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था, यहूदियों ने किया था, तो उनके यहाँ सर पर हिजामा किया गया था, और उनको जब एक यहूदी औरत ने जहर भी दिया था खाने में, तो जब भी उनके जो है वो उनके ये शोल्डर्स के दरमियान उनके 3 दफ़ा हिजामा किया गया था, तो इससे साबित होता है कि ये जादू का भी तोड़ है, और ये कि आपको बॉडी में अगर कोई ये है, आपके जहर है या कुछ है, वो भी निकल सकता है। सही। किसी भी इंसान को ऐसे कब फील होता है कि उसे हिजामा की ज़रूरत है या उसे करवा लेनी चाहिए? हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी है कि हिजामा ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना कि परहेज जो है जी वो इलाज से बेहतर है, बिल्कुल, तो इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि हमें कहीं दर्द हो, कहीं तकलीफ महसूस हो तो हम फिर हिजामा कराएं। हिजामा 3 महीने के बाद एक सेहतमंद इंसान भी 3 महीने में एक दफ़ा कम से कम करा लिया करे, उससे ये है कि आपकी बॉडी से, मैं ये बताया ना कि टॉक्सिन्स निकलते हैं, जरासीम मुख्तलिफ बीमारियों के ये डेड सेल्स जो हैं वो हमारे निकल जाते हैं, दर्दें निकल जाती हैं, तो प्रिकॉशन के तौर पर भी कराया जा सकता है। हमारे पास आते हैं, ऐसी बच्चियाँ आती हैं, कोई मसला नहीं होता उनको, वो सिर्फ एक तो सुन्नत के सवाब के लिए, क्या आपको पता है सुन्नत को फॉलो करना 70 शहीदों का सवाब मिलता है। सही बात है। तो वो उसके सवाब की नीयत से, और दूसरा ये कि प्रिकॉशन के तौर पर, तो वो कराते हैं वो, और इस बीमार लोग जो हैं वो मैंने बताया कि 15 दिन में, महीने में, और या अपनी ज़रूरत के तबीब जो है, मालिक जो है वो उनको बताता है कि गाइड करता है कब आप। तो जिस तरह ये ख़वातीन करवाती हैं वैसे ही मर्द हजरात भी करवा सकते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम सब जी। मर्दों के भी सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर मर्द कराते हैं जी, जी। तो मर्द भी ऐसे ही कराते हैं क्योंकि बीमारियाँ तो सबको सेम होती हैं, और ये कि आजकल गरीब लोग बेचारे बहुत डरते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास, वो जाहिर है एक उनका अपना
अपना प्रोसेस होता है, वो सब टेस्ट करवाते हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं होते गरीब आदमी, तो ये जरा सस्ता इलाज है और इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मतलब आम जो नॉर्मल क्लास जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे माशरे में, तो ज्यादातर इनकी वो है तादाद है, तो ये करवा सकते हैं। इनके लिए कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे या पैसे जमा करो उसके बाद फिर जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि जब कोई किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो उसका यही परसेप्शन है ना, और ऐसा ही होता है कि मतलब नॉर्मली किसी का एक प्रोसीजर है कि सारे टेस्ट करवाए जाएं ताकि पता चले क्या बीमारी क्या सही। तो मतलब मैं तो सोचती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे बताया है कि नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि वो आप लोगों के पास आएं क्योंकि कहीं भी दर्द है, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें डायग्नोज होना जरूरी होता है, कोई लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीजों में या शुगर का ब्लड प्रेशर का टेस्ट करवा चेकअप करा के तो आ जाए कि इसमें शुगर का, फिर उसके मुताबिक पेशेंट को ये सबसे जरूरी बात है कि अपने सब बीमारियों का बताना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल जैसा ऐसी कोई खातून आ गई आपके पास, अब उनको डायबिटीज भी है, शुगर डायबिटीज है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है उनका, और ये सारी चीजें तीन चार चीजें हैं उनको प्रॉब्लम करती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने करवाया, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जितने भी वो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उससे रिलेटेड पॉइंट्स पर वो हिजामा कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको फायदा ही होता है। सही। अच्छा, ये हिजामा करने से पहले किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? जी, हिजामा से पहले ये है कि एक तो पेशेंट को चाहिए कि अपने मालिज को अपनी सब बीमारियों का बताए, तो ताकि वो उसके मद्देनजर रखते हुए उसका इलाज करे। दूसरा ये कि 4 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए और 2 घंटे पहले पानी नहीं पिया जाए। इसके अलावा जो ब्लड थिनर वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनका ज़रा इस्तेमाल रोक के तो करवाना चाहिए। ब्लड थिनर वाली दवाइयाँ उनको रोक, एस्प्रिन वगैरह लोग लेते हैं ना ब्लड प्रेशर के मरीज या हार्ट के पेशेंट, तो उसका इस्तेमाल जरा रोक कर तो फिर हिजामा करा। तो अगर उन्होंने कोई मेडिसिन ले लिया, टैबलेट्स जैसे कोई भी टैबलेट ले लिया और उसके बाद आपके पास आते हैं, तो फिर आप उनको रोक देते हैं कि आज नहीं, आप कल आओ या फिर 2-3 घंटे के बाद आए? हमारे से जब वो अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम उनको उसी वक्त गाइड कर देते हैं कि इस तरह से आपने आना है कि 4 घंटे की फास्टिंग से आना है और ये कि बीपी की कोई मेडिसिन नहीं लेनी। ठीक है जी। और हिजामा करने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ये तो पहले की ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं और इसके बाद की एहतियात वगैरह बताएं। हिजामा के बाद भी ये कि एक तो 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि उसका शुक्र है कि उसने सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक दी, और अपनी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, कोई सदका दे दें अपना कि सदका बलाओं को टालता है। इसके अलावा 1 घंटे के वक्फे से वो खाना खा सकते हैं, 1 घंटे के वक्फे से नहा सकते हैं, और कोशिश करें कि बादी स्कील चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा ठंडे मशरूब ना पिएं। अच्छा जी, कितने दिनों तक? नहीं, ये उस दिन जरा दो तीन दिन तक एहतियात करने से ज्यादा बेहतर है। तो ठीक है, आप मुझे ये जरा ये डेमो भी करके दिखाएं और ये भी बताते चले साथ साथ कि 2-3 दिनों का जो वो होता है इनको एहतियात करनी पड़ती, तो वो क्यों करनी पड़ती है? अगर उन्होंने कुछ ठंडा यूज कर लिया तो उसके कोई इससे कोई प्रॉब्लम? उससे प्रिकॉशन के तौर पर अच्छा उनके लिए रिजल्ट अच्छा उनको मिलेगा। ठीक है सही जी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये हिजामा का जो तरीका है, तो कुछ डेमो करके दिखा रही हैं। आप देखिए, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है पैरवी के मुताबिक कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये क्या करते थे, ये सुन्नत रसूल भी है, आप लोग भी करवाया करें, क्या करें। ये आपने इसको पुश कर दिया? ये देखें, हमने बिल्कुल नया कप निकाला है, ये चाइना से कप आते हैं और ये हम एक दफा ही इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर लिया, फेंक दिया, फेंक देते हैं, और ये ऐसे कप लगता है उसके, इससे तकलीफ नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी। तो ये इसके बाद ये इसको 3-4 मिनट 5 मिनट लगा रहने देते हैं, तो उसके बाद इसको यूं हटाते हैं
उसके बाद ये जरा सी सुन हो जाता है जगह, तो वो तकलीफ महसूस नहीं होती है बिल्कुल। तो वो हल्का सा ब्लेड से यू यू टच करते हैं। तो मैं इस वक्त इसलिए नहीं दिखा रही कि बाज़ दफ़ा बच्चे भी देख रहे होते हैं तो वो इसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, बस वो करने के बाद इसको दोबारा से फिर यूं लगा देते हैं, ठीक है। तो वो फिर हल्का हल्का ब्लड निकलता है, तो थोड़ा सा निकलता है, और इसको भी 7-8 मिनट तक लगे रहने देते हैं, 10 मिनट तक भी छोड़ देते हैं कि ज़रा सा वो उसे ये जब उतारेंगे इसको यूं करने से देखें तो फिर हटाएंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ये आपके अंदर से दर्दें निकल जाती हैं, आपकी बॉडी के वो जो भी अपर लेयर में मैंने बताया कि टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये कि मरीज़ अपने आप को या जहाँ कहीं भी दर्द हो रही होती है उसको लगता है कि थोड़ा सुकून हो गया है, जी आराम हो गया है। तो ठीक, इसका ये जो प्रोसेस होता है ये कितनी देर तक का होता है? ये एक आधा घंटा एक पेशेंट पे लग जाता है। ठीक है, अगर उनको नीड हो कि 3-4 जगह से करवानी है? हाँ जी, तो वो 3-4 जगहों पे वो पहले सारी डिटेल बता देते हैं हमें, ठीक है। तो हम उतनी जगह, जैसे किसी को सर्वाइकल है, कमर का दर्द है, शैटिका है, तो वो ऊपर भी कप्स लगा देते हैं, बैक पे भी लगा देते हैं, कोई कहता है घुटनों में दर्द है तो उनके घुटनों पे भी लगा देते हैं, वो एट ए टाइम एट ए टाइम वो 3-4 जगह लगा सकते हैं, एट ए टाइम लगा सकते हैं, बिल्कुल है। सही, तो मतलब पेशेंट्स आते हैं आपके पास ज्यादा? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मेरा PCHS में क्लिनिक है और एक डिफेंस में है, तो वो पेशेंट्स अब लोगों को जैसे जैसे एक दूसरे से पता चल रहा है आराम होता है, फायदा होता है। अब देखिए ये शैटिका के जो पेशेंट हैं वो बेचारे कितनी तकलीफ में होते हैं, वो उनको भी 3-4 सिटिंग में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो जाता है कमर में, और ये सर्वाइकल वाले कॉलर लगे हुए हमारे पास पेशेंट आते हैं तो 3-4 सिटिंग में उनको भी बहुत अच्छा आराम हो जाता है। तो 3-4 सिटिंग में जब वो लोग 3-4 सिटिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली और जब उनको ऐसा लगता है कि अब जरूरत नहीं है मुझे जाने की, तो उसके बाद भी ये है कि हम कहते हैं कि महीने में, जैसे मैंने कहा 1-2 महीने में जरा करा लिया। और ऐसा भी होता होगा ना कि उनको आदत हो जाती होगी कि यार डॉक्टर के पास जाने से बेस्ट है कि मैं इनके पास चली जाऊं। हाँ वो बिल्कुल ऐसा भी है कि वो पेशेंट्स को अच्छा, खुद को अच्छा फील होता है कि बजाय इसके बहुत सारी मेडिसन्स खाई जाएं और बहुत इधर उधर घूमा फिरा जाए और इलाज कराया जाए, तो ये बगैर मेडिसन के बहुत अच्छा इलाज है। ये आधे घंटे का वो है काम है, बट ठीक है, आसानी हो जाती है। मेरी आप देखें डिस्क स्लिप वाले पेशेंट्स होते हैं, वो कई मेरे पेशेंट हैं जो वॉकर से चलते थे और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7-8 सिटिंग के बाद वो बगैर वॉकर के अब चलने लगे। तो ये किस किस टाइम नहीं करवाना चाहिए? एक तो जो बूढ़े लोग होते हैं और जो बहुत कमज़ोर होते हैं। हाँ जी, वो जो है मॉलेज देख लेता है कि ये इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता है, तो वो मेन इंसान की हेल्थ देखनी पड़ती। सही बात है, ठीक है। ये ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरजाना जी। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में भी अपने बुलाए करेंगे, और आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला, यहाँ आई हैं, लोगों में अवेयरनेस दी है, बहुत बड़ी बात है ये, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, देखा आपने ये फरजाना मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हिजामा जो है वो सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल को फॉलो करना चाहिए। जाहिर सी बात है हम भी मुसलमान हैं, उन्हीं के हम उनके ही उनमें से हैं, तो हमें भी इनकी पैरवी करनी चाहिए, और इस तरह नहीं कि बस कहीं भी दर्द है आपको बैठे हुए, हमेशा मैं अपने सेगमेंट में आपको बताती चलती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल भी ना क्या करें कि कहीं दर्द है, तकलीफ है, तो आपने कोई टैबलेट ले लिए, पेन किलर ले लिए, आराम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ कितनी यूज़फुल है, तो आप वो लाजमी करें, ठीक है ना, और लाजमी क्या करें, और हमें कॉल भी क्या करें, बताया भी करें कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ है। और ये जो हिजामा है ये बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं या बहुत वीक हैं ड्यूरिंग पीरियड्स ना क्या करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना क्या करें, ऐसा ना कि जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं वो भी चली जाती हैं हिजामा करवाने के लिए, उनको पता नहीं होता है, बट ये कि जो उनका उनकी जो एक्सपर्ट होती है वो तो खैर बता ही देंगी, बट ऐसा नहीं कि आपने छुप छुपा कर करवा लिया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम जाते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।